हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। जो भी आपके सिलेबस में है उसी चैप्टर को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस चैप्टर को तो आपको डेफिनेटली अच्छी तरीके से करना है। बाकी ऑफकोर्स सारे चैप्टर से आप प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा, बट नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो आपका पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नॉर्मल क्वेश्चन तो आते ही, साथ ही साथ इसका जो है मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए क्योंकि आपका ऑफ कोर्स ये इंडिया से कनेक्टेड है पूरा, जितना भी फ्रीडम से भी रिलेटेड है, उससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए एंड ऑल, तो वो सब कुछ को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, हम अपनी वीडियो में कवर करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, सो दैट कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नए पैटर्न के हिसाब से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द रीज़न फॉर द सत्याग्रह स्टार्टेड बाई गांधी एट चंपारण बिहार। सत्याग्रह जो गांधी ने शुरू किया था बिहार के चंपारण में, तो उसके लिए क्या रीज़न था? सो आंसर इज गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह चंपारण अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ एंड इंडिगो। चंपारण में गांधी जी ने सबसे अपना पहला सत्याग्रह किया था। सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया रहने आए थे, और 1916 में उन्होंने चंपारण का आंदोलन किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि वहाँ पर जो है ना प्लांटेशन सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था फार्मर पे, उनसे ज़बरदस्ती नील की इंडिगो की खेती करवा जा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू ज्वाइन खिलाफत इशू? महात्मा गांधी खिलाफत इशू को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे? खिलाफत मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों ने स्टार्ट किया था, बट गांधी जी इसमें क्यों गए थे इस चीज़ को लेकर है। महात्मा गांधी वांटेड टू ज्वाइन खिलाफत इशू बिकॉज ही सॉ इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि एक बेहतरीन मौका है जब हम क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को इस नेशनल मूवमेंट के अंदर एक साथ ला सकते हैं। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने खिलाफत इशू को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिसीजन वाज मेड इन कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920? नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन दोनों के दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ था दिसंबर में, तो वहाँ पर कौन से डिसीजन लिए गए थे? तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करने का। लॉन्च कहीं और पे हुआ था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि हम जो है अब नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे, और ये डिसीजन लिया गया था कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। इसको लेकर कई बार मैप में भी पूछ लेते हैं कि आपको जो है कांग्रेस सेशन जो नागपुर में, कांग्रेस सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, उसको आप मैप में दिखाइए, तो ऑफ कोर्स आपको नागपुर को मैप में शो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस? कोलकाता जो सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, तो वहां पर कौन से रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो वहां पर रेजोल्यूशन पास हो गया था लॉन्च करने का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ध्यान रखना है आपको, अगर अडॉप्टेड के को लेकर पूछे तो वो आपका नागपुर सेशन है, जबकि अगर आपको लॉन्च के पूरे बारे में पूछे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो वो कलकत्ता सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन? गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का क्या मतलब था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। आइडिया जो सत्याग्रह का था वो इस बात पे फोकस करता था कि हमारी सच्चाई में कितनी ताकत है, ठीक है ना, और नॉन वायलेंस से भी रिलेटेड इनका पूरा का पूरा सत्याग्रह था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो तीन शुरू के सत्याग्रह थे जो कि गांधी ने ऑर्गेनाइज करवाए थे 1916 में, 1917 में, 1918 में, तो ये तीनों के तीनों मूवमेंट जो है गांधी के लिए स्टार्टिंग मूवमेंट थे, इसके बाद ही पब्लिक इन्हें जानने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? दो मुस्लिम लीडर्स थे, इवन दोनों का नाम अली बंधु के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों ने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वॉज अलूरी सीताराम राजू? अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ही वॉज अ ट्राइबल लीडर ऑफ द गुनेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुनेम हिल के ट्राइबल लीडर थे। ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन अर्ली 1920। जब हमारे यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में और मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चलाया हुआ था। तो और ये भी गांधी के काफ़ी बड़े फॉलोअर थे, तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको
याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ से कि क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। वैसे तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ऑलरेडी क्लियर होंगे, पर जो क्लियर नहीं है उसको सुनकर आप रिवाइज कर लीजिए। सुनने से भी जो चीज़ें हैं आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर वन, आप लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, उसने इंडिया में कौन कौन सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया, इसको लेकर क्वेश्चन है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सारी की सारी इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिचुएशन सारी चेंज हो गई और इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो इंडिया वाले को फेस करना पड़ा, और उनमें से है इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च होने लग गया, विच वॉज फाइनेंस बाई इंक्रीजिंग टैक्सेज ऑन, और वो फाइनेंस कहाँ से करते थे? इंडिया वालों पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके। सेकेंड पॉइंट, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया गया, और इनकम टैक्स जो है फर्स्ट टाइम जो है जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्टीन्यूअस प्राइस राइज कॉस्ट एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल, और प्राइस जो है हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे जिसकी वजह से कॉमन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स बाई फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, लोगों को ज़बरदस्ती जो है आर्मी में भेजा जा रहा था रूरल एरिया से लाकर, जिसकी वजह से भी पब्लिक में काफ़ी गुस्सा था। ऑल दिस वॉज एग्रेवेटेड बाई फेलियर ऑफ क्रॉप, और इसके बाद भी स्थिति तब खराब हो गई जब वहाँ पर सूखा भी पड़ गया और जो फसलें हैं वो खराब हो गई। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वॉज अ नेचुरल आउटकम ऑफ वॉर एज इंडस्ट्रीज वर गियर टू प्रोड्यूस गुड्स टू फुलफिल वॉर नीड्स। जो जी जरूरत की जरूरत का सामान था उनका प्रोडक्शन रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड चीज़ों का प्रोडक्शन करें। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इंडिया वालों को फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग जो है बेसिकली गुस्सा था पब्लिक को रॉलेट एक्ट को लेकर, और रॉलेट एक्ट के लिए ही मीटिंग क्रिएट किया था इन्होंने जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर ने उन पर अटैक करवा दिया था। हुआ कब था? ऑन 13 अप्रैल, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स गैदर्ड इन एन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग नियर अमृतसर। दीज पीपल केम देयर टू अटेंड अ फेयर एंड वर अनअवेयर ऑफ करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन और अबाउट द मार्शल लॉ इम्पोज बाई द मिलिट्री गवर्नर जनरल डायर। पब्लिक को बिल्कुल भी सिचुएशन का पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया जा चुका है जनरल डायर के द्वारा। डायर एंटर द ग्राउंड, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, उन्होंने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया एंड ओपन फायर ऑन द इनोसेंट क्राउड, और एकदम ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसी इंसिडेंट को हम जलियांवाला बाग सक्रिय के नाम से जानते हैं। जनरल डायर डिक्लेयर दैट द हिज मेन एम वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ इन द माइंड ऑफ सत्याग्राही। उनका मेन जनरल डायर ने ये कहा कि हमने ये इसीलिए किया ताकि जो है लोगों के मन में डर हो। लेकिन हम बात करें तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हो गया। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर स्प्रेड, क्राउड टुक टू स्ट्रीट इन मेनी टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया। जैसे ही पब्लिक के पास ये न्यूज़ धीरे धीरे फैली, लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके बहुत सारे शहरों में नॉर्थ इंडिया में फैल गए। देर वर बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए, क्लासेस हुए, पुलिस के साथ गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे अटैक किया गया। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, और इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि हमें जो है कुछ विशेष मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, और इसके बाद ही जो है एग्जैक्टली में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाया गया था। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर स्टार्टेड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। द मेन एम ऑफ दीज मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड डिमांड स्वराज, और उन्होंने स्वराज की भी डिमांड उस टाइम पे कर दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज, शहरों में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से फैला, इसको लेकर क्वेश्चन है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन दिसंबर 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था स्टार्ट दिसंबर 1920 में, और उसके बाद पीपल जो है अलग अलग ग्रुप के पार्टिसिपेट हुए इस मूवमेंट में। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज़, सबसे पहले तो इसमें मिडिल क्लास के लोगों का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को, कॉलेजेस को छोड़ दिया, टीचर ने रिजाइन कर दिया, लॉयर जो है उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो एंड इट वॉज टू बी ए नॉन वायलेंट, और गांधी जी ने कहा था कि इस मूवमेंट में ना हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, तो वो एक अहिंसा वाला मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। इन अबाद पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड अदर
सेसेस फ्रॉम पीजेंट। अवध में भी क्या हुआ, पीजेंट किसानों ने मूवमेंट कर दिया और तालुकदार के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो ज़्यादा रेंट वगैरह मांग रहे थे, तो उन्हें वो कुछ भी देने से डायरेक्ट इनकार कर रहे थे। और वही आलूरी रामा भी उन्होंने वहाँ पर असम में कर रखा था अपना ट्राइबल को लेकर। तो इस तरीके से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह फैल गया था। बट सिचुएशन ये क्रिएट हुई धीरे धीरे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। तो इसलिए को लेकर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विदड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फेबररी 1922। फेबररी 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, उसके पीछे क्या रीज़न था? सबसे पहला रीज़न तो ये था, गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट एट मेनी प्लेस। बहुत जगह जो है ये वायलेंट के रूप में चेंज हो रहा था, एंड द सत्याग्रही इज नीडेड टू बी प्रिपरली ट्रेन। और उनको लग रहा था कि जो सत्याग्रही जितने भी हैं ना, उनको प्रॉपरली तरीके से ट्रेन करना चाहिए बिफोर दे वुड रेडी फॉर मास स्ट्रगल, ताकि वो मतलब ज़्यादा रूप में स्ट्रगल करने के लिए उनको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस वजह से, और दूसरा इंसिडेंट तब हो गया जब वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा इन 1924 जो कांड हुआ, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई पब्लिक के द्वारा, जिसमें काफ़ी 22 पुलिसमैन के आसपास डेथ हो गई। उसके बाद गांधी जी ने इमिडिएटली उस टाइम पे वापस ले लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे जो नेता थे गांधी जी के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट था एक चरम सीमा पे था जबकि पब्लिक इसे सपोर्ट कर रही थी। और शायद क्या पता अगर वो बहुत अच्छे से होता तो क्या पता उसी टाइम पे अंग्रेज चले जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को डिस्क्राइब करना है आपको, क्या हुआ था। पूना पैक्ट जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिमांड कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, कि दलित लोगों के लिए ना अलग से जगह देनी चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव वगैरह करवाना चाहिए। विन द ब्रिटिश कंसीडेड डॉक्टर अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी हुआ सपोर्ट थ्रू दिस वेंट ऑन अ फास्ट अन टू डेथ। तो मतलब ये बात ब्रिटिश तक भी पहुंची कि भीमराव अम्बेडकर की ये डिमांड है, तो गांधी जी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं इस विरोध को तब तक जारी रखूंगा, मतलब फास्टिंग पे हो गए वो, मतलब क्या कहते हैं उसे, अनशन पे बैठ गए कि अगर आप इस बात को मतलब ये चीज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रॉड फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। उन्होंने ये सोचा, वो मतलब इस बात पे बिलीव करते थे कि अगर इनका और सेपरेट इलेक्ट्रॉड बना देंगे ना, तो उनकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी और वो सोसाइटी में ना इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन। अब गांधी जी की तो उस टाइम पर तो ऑफकोर्स ऐसे थे कि उनकी बात को कोई मना कर नहीं सकता था, इस वजह से गांधी जी के इस डिमांड को अम्बेडकर ने मान लिया और एक पैक्ट साइन हुआ 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। द पूना पैक्ट गिव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट। और उसी के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिजर्व सीटें रखनी पड़ेंगी प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इवन जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है हर जगह, जो कोटा है एंड ऑल, तो ये सारी जो कि सारी जो चीज़ें साइन हुई थी इस पूना पैक्ट में। हालांकि उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ये हमारे देश की आज़ादी के 10 साल तक ही रहेगा, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, वो अब तक चल रहा है, अपने पॉलिटिकल लीडर अपना फ़ायदा उठाने के लिए उसको अब तक भी जारी रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले तो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को क्यों शुरू किया था, और इसके कोई आपको फीचर बताने हैं सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के। गांधी जी ने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को ऑन 31 जनवरी 1930 में शुरू किया था। ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन। वायसराय इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उनके 11 डिमांड थे। द मोस्ट स्ट्रिडेंट डिमांड वॉज, और जिसमें से सबसे बड़ी डिमांड तो ये थी कि सॉल्ट टैक्स जो उन्होंने लगाया है उसको ख़त्म किया जाए। सॉल्ट इज़ द कॉमनली, सॉल्ट जो है ऑफकोर्स हर किसी के द्वारा, अमीर हो गरीब हो, हर कोई उसको कंज्यूम करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द, और ये हमारे खाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। द टैक्स ऑन सॉल्ट इज मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन रिवील्ड ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज हिस्टोरिक मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, और जो बेसिकली इस मूवमेंट के अंदर सबसे पहला उन्होंने सॉल्ट का जो लॉ था उसी को तोड़ा, और उसके लिए उन्होंने दांडी तक गए थे। तो उन्होंने अपना जो मूवमेंट था साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ऑन 6 अप्रैल ही रेस्ट दांडी एंड वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर, पानी समुद्र के पानी को गर्म करके उन्होंने नमक बनाया, और वो जो है उनका लॉ था सॉल्ट वाला वो टूट गया। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, और यही जो था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की स्टार्टिंग थी। मेन फीचर बात करें उसके बारे में, तो इसमें सारे सेक्शंस के
पीपल जो सोसाइटी के थे उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वुमेन ने फर्स्ट टाइम अपने घर से जाकर इस मूवमेंट में ज्वाइन किया। इवन जब हम बात करें कि दांडी गए थे गांधी जी, तो उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट लीडर सरोजनी नायडू भी थी और कई सारी वुमेन थी। फॉर द फर्स्ट टाइम द मूवमेंट वॉज लॉन्च विद द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। और पहली टाइम पहले तो उन लोग सिर्फ स्वराज की डिमांड करते थे, बट अब जो है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बाद उन लोगों का गोल क्या हो गया था, पूर्ण स्वराज। उसके बाद बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डेफिनेटली अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन, मतलब इन्होंने कहा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग था। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, तो दोनों को आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों में या तो आप अलग अलग तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से बॉक्स बना के लिख सकते हो। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के अंदर क्या था, द मूवमेंट डील्ड विद द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ फॉर्म बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए थे, जो भी लॉ बनाए थे, उसे तोड़ने का था, जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था। जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कहता था कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसके अंदर ये नहीं था कि हम लॉ को तोड़ेंगे, बल्कि हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, मेन एम बींग वायलेशन ऑफ लॉज, इट वॉज कैरीड आउट बाय देम ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ एंड फॉरेस्ट लॉ, बिसाइडिंग होल्डिंग। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया, सॉल्ट लॉ और फॉरेस्ट लॉ को तोड़कर। इट वॉज कैरीड आउट थ्रू पीसफुल डेमोस, इसमें बड़ी शांति से इन्होंने किया किया गया। स्कूल मतलब स्कूल छोड़ दिए गए, फॉरन जितने भी दुकानें थी विदेशों की वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, जबकि इसमें ये था कि लॉ को भैया तोड़ने पे उनका मेन फोकस था। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च बेसिकली टू अटेन पूर्ण स्वराज। इस मूवमेंट को लॉन्च इसीलिए किया गया था ताकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि उन्होंने 11 जो डिमांड थे कांग्रेस के, गांधी जी ने जो दिए थे उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ही सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। जबकि इसके बारे में बात करें, इस मूवमेंट को लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम को जो है यूनिफाई कर सकें और अपने स्वराज को अटेंड कर सकें। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। आपके टोटल यहाँ पर 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप जो है इन सबको डेफिनेटली सीरियसली लोगे, और रिविजन के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।